हेलो दोस्तों, और आज हम जाने वाले हैं ड्यूइसबर्ग। ड्यूइसबर्ग और हमारा अभी ट्रक है यहाँ, ओसना ब्रेक या समथिंग कोई ऐसा है, एक जगह है मुझे भी ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास कन्या का एक ट्रक है और उस ट्रक को अभी हमें वहाँ पे लेके जाना है। बस कैसे भी करके हमें पहुँचना है वहाँ पे, और उसका रास्ता अभी पता चलेगा गाड़ी स्टार्ट करने। मुझे थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा है गाड़ी स्टार्ट करने में, मतलब 53% का डैमेज हुआ है मुझे ट्रक के जो पीछे का हिस्सा है। सो कोशिश करेंगे कि आप 149 जाना है, तो आशा है कि हमारा ट्रक जो है वो ख़राब ना हो जाए बाहर रास्ते में। तो चलो चलते हैं रास्ता। टाइम देखना पड़ेगा और का जो हिस्सा है वो डिस्प्ले आ रहा है, ट्रक का जो है डिस्प्ले में मैच आ रहा है वाला, मुझे पीछे से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब नाइट शिफ्ट हुआ ना, तो अभी नाइट में सफ़र करना पड़ेगा हमें। इस तरह का अगर रास्ता है तो बहुत ही करेगा, अभी सही रास्ता है। अभी हम डायरेक्ट जो है गियर चेंज करता हूँ, और ये काफ़ी मतलब मेरे सर्किल की तरह अभी मुझे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा जानने की तरह कोई आ रहा है तो अच्छा रहा है। अभी फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा मुझे, यू टर्न की वजह से होगा क्योंकि लंबा है, तो लंबा है तो थोड़ा डैमेज है, कुछ भी हो सकता है। कोशिश करना, अगर कहीं पर डिप्रेशन मिल जाए तो अभी अच्छा।
के जाना पड़ता, अभी स्लो करना पड़ेगा, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, बड़ी बड़ी आएगा तो कुछ टकरा जाएगा। अभी सही है, अब चलते हैं सीधे। अभी सिर्फ 63 किलोमीटर में जो है जाना है, सो कोई बात नहीं, कैसे नहीं बोलेंगे भाई, गाड़ी बहुत जा रहा है। हाँ अभी सही, 70 पे सही है, 50 to 55 किलोमीटर चला जाता है 70 में, और अभी 60 पे चल रहा है। मतलब अभी 10 किया मैं, तो अभी 11 और 10 11 तो 12 किलो दोनों में से 95 किया था, ठीक किया था। कोशिश करते हैं 11 ये देखिए 89-90 किलोमीटर हो गया, अब 12 किया मैं तो 90 से कह रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर से 89 वैसा हो जाता है, तो 12 किया से ज़्यादा तो है नहीं हमारे पास। मैंने जो सेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैंने सिर्फ एक ही गॉगल शिफ्ट किया, दूसरा शिफ्ट करूँगा तो शायद एक ही गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड से चला, मतलब वो हानिकारक अभी 34 किलोमीटर से सिर्फ, और 34 किलोमीटर के अंदर अभी अब मैं जो है भाई ये रास्ता जो है भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे कैसे भी एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही गर्म है यहाँ पर, मतलब स्नैक्स की तरह मतलब गर्म है वो भाई। अभी एक बहुत ही बड़ा टर्न लेना पड़ेगा हमें, तो गाड़ी के तो गाड़ी को अभी से न्यूट्रल कर लेना है, स्लो 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 अभी बहुत, तो भाई अब यहाँ से स्लो करना पड़ेगा गाड़ी को, 7-7 ये तो वन वे हो गया भाई, वहाँ से बहुत छोटा रास्ता। ओह भाई 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 धीरे 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 अभी तो मतलब टकरा ही होगा। सही, अब सिर्फ 10-9 किलोमीटर वो दिख रहा है वो जगह जहाँ पर वो मैप में, और जब का जो डिस्प्ले में मैप था वो निकल वो न था वो भी था, देखते हैं देखते हैं क्या होगा, मतलब स्लो क्यों होगा। क्लच को छोड़ के वो एक्सीडेंट करवाने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो अगर बीच में है तो अभी तो कहाँ जाना लगता है,
ख्याल होता है थोड़ा सा, क्या है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो पेट्रोल भरवा लेते हैं। अभी सिर्फ 2 किलोमीटर ही हुआ है और 2 किलोमीटर है शायद, देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो टंकी फुल करवा दूँगा लगता है। अभी टोटल प्राइस यहाँ पे दिखा रहे, लेकिन ये जो है लगता है ये जो डीलर है, ट्रक डीलर है, वही देगा लगता है। ये हम जैसे ड्राइवरों को पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से तो कुछ भी नहीं कट रहा है, वो -220 से एक भी पैसा ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो सही है। तो हमने करीब 1768 रुपीज़ का पेट्रोल, करीब 800 लीटर का पेट्रोल हमने भरवा लिया। अब चलते हैं सीधे भाई, इतना बेइज्जती मत करो भाई, मुझे लगा ड्यूसबर्ग लिखेगा, पर कोई बात नहीं, हमें अभी जो है हमें लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। तो हमारा फैक्ट्री यहाँ पे है, फैक्ट्री है गैरेज है, देखते हैं क्या। और यहाँ से फिर से राइट टर्न करना पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि मतलब ये जो है 2 टाइप का पार्किंग फैसिलिटी दे रहा है, वो मैं दिखाऊंगा। देखो तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तो भाई वो एंटर करवाओ बोलता है, मैंने तो 360 घुमा लिया फिर भी एंटर नहीं हुआ। हाँ अभी शायद होगा, हाँ हो गया। तो यहाँ पे देखो भाई, एंटर करवाता हूँ ना, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मैं तो पहला वाला सिलेक्ट करूँगा, इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सही है। देखता हूँ कहाँ पे पार्क करने के लिए कहता है, यहाँ पीछे की तरफ पार्क करने के लिए बोल रहे हैं, मैं कैमरे को पीछे की तरफ ले रहा हूँ, सो देखते हैं क्या होता है। अभी तो रिवर्स में ही लेना पड़ेगा गाड़ी को, थोड़ा सा साइड करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सीधा रिवर्स में लेंगे यहाँ पे बिल्कुल, अभी देखते हैं क्या होता है। ये रिवर्स वाला जो है बिल्कुल उल्टा है, राइट लोगे तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट लोगे तो राइट हो जाएगा। भाई इतना मतलब पेचीदा है, डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर लंबा हो और अगर 2 कार को अगर एक साथ ले रहे हो तो भाई बहुत मुश्किल, मैं अगले वीडियो में आपको वाला इसको छोड़ूंगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, शेयर करना बोल रहा था भाई। ये वाला एक प्रॉब्लम दे रहा मुझे, जब भी मैं जो है एक्चुअल पर छोड़ रहा हूँ, ये सामने वाला का जो लाइट है वो बंद हो जा रहा है, वो बीकॉन्स भी बंद हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई इसमें। इतना तो मतलब अभी वो गैरेज वाला बोल रहा है पहला मतलब नया नया आएगा बिल्कुल, इतना लेट नहीं कर रहा है बोल रहा है। वो देखो वो ब्लिंक कर रहा है, वो वाला जगह, वो पार्किंग वाला जगह, अभी तो धीरे धीरे लेना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से, जो देखूँगा फिर से ऐसा हो। अरे मेरा गया, मैं जो जल्दी में मैंने लगता है मुझे मेहनत के जो पैसा काट सकता है, मैं इस जरूर पैसा काट, ये 220 ऐसे ही मानस होगा,
के साथ अगर मैंने लेट वो भाई अरे खराब गया भाई सॉरी मेरे को तो कुछ हुआ नहीं तो वो बाद में देखेंगे पहले मैं थोड़ा ऐसा कुछ क्या नहीं है एक बार फिर से क्या हो रहा है मेरे साथ आज वो बोल रहा आज तेरा काम करने का नहीं है बोल रहा है देखना क्या होता है कोशिश करते हैं कितना पैसा काटे काटे तो अभी सही है फिर भी सही नहीं है भाई वो फिर से पहले जगह पे पहुँचे अरे सही है वहाँ पे तो एंटर लिख रहा है काम का काम थोड़ा सा कम से कम गाली तो कम पड़ी देखते हैं देखा लेट भाई 200 रुपये फिर से एडिशनल भाई मेरा तो सारा पैसा निकल गया और ये मेरा हेडक्वार्टर है अच्छा कटा रहा है पैसा होने को भाई बहुत अच्छा वाला हेडक्वार्टर खरीदूँगा मैं मतलब इतना 10-20 ट्रक तो आ ही जाएंगे उसमें ओके नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे जो भी जॉब मिलेगा उसे पकड़ लेंगे और वीडियो बना लेंगे और उसके लिए थैंक यू नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना ठीक है।